प्रस्ताव या खुले हुए लोग हैं, उनको खिलाड़ियों का भविष्य खराब करने का क्या अधिकार है? नहीं है ना। अगर हाथ खड़ा करके ऐसे करते, मैं बार बार करवाता हूं, वो भविष्य खराब ना करें खिलाड़ियों का। खेलों के अंदर अभिजीत के अंदर प्रसन्न खेल मंत्री से कल बात कर रहा, कहते जीत में कभी इतनी हुई, एक एक करोड़ की चैंपियनशिप हुई नहीं, उन लोगों ने कराया। अभी एक और बड़ा दंगल भिवानी के अंदर होने जा रहा है। जिस खेल की आवश्यकता हरियाणा के अंदर, जिस खेल को हरियाणा के लोग खेलते हैं और जिस खेल को खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, उसके अंदर सिफारसियों को और संस्था के अंदर बैठे हुए नकली लोगों को अब दूर भागना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अभय सिंह चौटाला, निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला उनकी टीम ने हिंदुस्तान के ओलंपिक संघ में खासतौर पर जो हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, और जो संस्था है आज वहां पक्षपात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर तीन खेल संघ बन गए, ओलंपिक संघ बन गए। क्यों? अगर एक संस्था अच्छी तरह खेल करा रही है तो उसको सहयोग करने की बजाय, उसको उत्साह देने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आज बीआरसी के मैनेजमेंट को एक अनुरोध करना चाहता हूं, अब सभी को बड़ा टूर्नामेंट करना चाहते हैं, अब हमें बड़ा नाम बुलाए, हमें केवल मैसेज दे कि हम फुटबॉल में, हम कबड्डी में, हम कुश्ती में, हम जिम्नास्टिक का वो टूर्नामेंट हम करना चाहते हैं। हम सरकारी संस्था नहीं है, हम गैर सरकारी संस्था है, परंतु हम अपना सहयोग आपकी बीआरसी यूनिवर्सिटी में, जो आज आपने हमारे ऊपर कर्जा चढ़ाया है, राहत उनका जो आपने भयंकर भाव दिया है, आपने सहयोग किया है, हम नरेश जी के सहयोगी हैं, हम इसी तौर पर आपका कर्जा जरूर था। मेरा अनुरोध है, मैं खेलों की वजह से आज आपके बीच में खड़ा हूँ, अवार्ड लेके जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं गौरवान्वित हूँ, राहत मंत्री मुझे राह दिखे, मेरे मित्र हैं राहत मंत्री सारे प्रबंधन के मित्र, मेरे मित्र हैं वो लोग जो खेलों को सच में बढ़ावा देते हैं। मैं आप सबका सम्मान करता हूँ और मुझे उम्मीद है राहत का जो सहयोग, क्योंकि कोई भी संस्था कभी अगर सहयोग के नहीं चला करती, क्योंकि मैं आज अवार्ड लेने आया हूँ, परंतु मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, राहत को चुपचाप एक चेक भी देकर जाऊंगा, चेक कितने का देकर जाऊंगा आपको बताऊंगा नहीं, मेरी तरफ से कुछ भेंट है। धन्यवाद।